सरकार अनलॉक 4 के तहत 1 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य अपने अपने यहां महामारी की स्थिति के हिसाब से लेंगे। इसके अलावा अभी निकट भविष्य में स्कूल कॉलेजेस के खुलने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सिनेमा घरों को भी फिलहाल नहीं खोला जाएगा। सरकार इस हफ्ते के अंत तक अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी कर सकती है। अधिकारियों ने बताया अनलॉक 4 में अब तक बंद रखे गए बार को भी खोलने की तैयारी है। हालांकि यहां बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें टेक अवे प्रणाली के साथ चलाने की अनुमति दी जा सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि स्कूल कॉलेजेस को तुरंत नहीं खोला जाएगा, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान जैसे कि विश्वविद्यालय, IIT और IIM को खोलने पर गंभीर चिंतन जारी है। इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं सिनेमा घरों को भी खोलने की बड़ी चुनौती हो चली है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना फिल्म निर्माताओं और थिएटर मालिकों के लिए महंगा पड़ सकता है। लिहाजा अभी इन्हें चालू नहीं किया जाएगा। सरकार अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों में इस बार सिर्फ प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी देगी। इसके अतिरिक्त अन्य को शुरू करने की छूट होगी। इस पर अंतिम फैसला राज्य को लेना होगा। राज्य सरकारें अपने यहाँ हालात की समीक्षा के बाद अतिरिक्त गतिविधियों को चालू या बंद रखने का फैसला ले सकेंगी। कोरोना महामारी के चलते मेट्रो रेल सेवाएं मार्च में लॉकडाउन के लागू होने के बाद से ही बंद है। अब तक देश में जो गतिविधियां प्रतिबंधित हैं उनमें मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार और इसी तरह की अन्य जगहों पर प्रतिबंध लागू है। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों व बड़े सम्मेलनों को अगले 1 महीने तक प्रतिबंधित रखा जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।